हटा विधायक के द्वारा लगातार ही हटा के सिविल अस्पताल के लिए आवश्यक वस्तुएं दी जा रही हैं, जहां पहले हटा के विधायक ने बताया था कि उन्होंने एक डिमांड लेटर लिया है किस तरह की आवश्यकता है, जिसके तहत हटा विधायक पीएल तंतुवाई के द्वारा 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को प्रदान किए गए, इसके साथ अन्य सामग्री भी दी गई। तो आज ये हटा के ड्राफ्ट हो गए हैं, जो डॉक्टर साहब को सौंप गए हैं। हमें आशा है कि इससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी और डॉक्टर साहब जो हैं कम से कम हमारे कोरोना मरीजों की जो भी उपचार कर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प होगी। हम सभी से अपील करते हैं कि सभी शांति बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें और जो कोविड-19 के नियम हमारे शासन प्रशासन द्वारा लागू किए गए हैं उनको पालन करते हुए अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें और हमेशा मनोबल बना रखें और सभी से शुभकामना है कि जल्दी स्वस्थ रहें और निरोगी रहें और जहां जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी अस्पताल के लिए, जनता के लिए, मरीजों के लिए, तो हम सभी प्रतिनिधि जनता सभी उनके सहयोग के मतलब सिविल अस्पताल के लिए 3 ऑक्सीजन मशीनें जो पूर्व में घोषणा की थी आज यहां पर अस्पताल हटा के लिए प्रदाई की गई हैं। इसी के अंतर्गत 2 मशीनें पटेरा अस्पताल के लिए भी दी गई थी, विधायक ने भी थे, वो मशीनें परसों पटेरा अस्पताल को सौंपी जाएंगी। 2 मशीनें हिंडोरिया अस्पताल के लिए दी गई थी, वो मशीनें भी कल हिंडोरिया पहुंच रही हैं। जिस तरह की मांग अस्पताल या हर क्षेत्र से विधायक जी को प्राप्त हो रही है, पूरा प्रयास कर रहे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए। निश्चित रूप से यह मशीनें कोविड-19 के मरीजों को बहुत लाभदायक होंगी और कोविड-19 के मरीजों एवं उनके परिजनों से भी मेरा अनुरोध है कि डॉक्टरों का सपोर्ट करें, किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य जबरदस्ती करवाने की चेष्टा ना करें डॉक्टरों से, क्योंकि डॉक्टर पूरा सिविल अस्पताल हटा का स्टाफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अपनी जान की बाजी पर खेलकर रात और दिन एक करके हटा कोविड सेंटर एवं सिविल अस्पताल हटा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से हटा अस्पताल के सभी डॉक्टर, स्टाफ, कर्मचारी जितने भी इनकी तारीफ की जाए तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। हम सभी पब्लिक से जुड़े हुए लोग डॉक्टरों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।